जी लाखों में बताई जाती है ऐसे तो यहाँ पे आपको अगर जानकारी मिली तो क्या बताया जाए? यहाँ पे तो 1600 रुपये दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, कॉइंस की दुनिया का सबसे भरोसेमंद ट्रू इवेंट चैनल्स पे आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं कॉइंस एग्जीबिशन के बाहर, तो कॉइंस एग्जीबिशन में जो जो हुआ वो उसका वीडियो मैं आपको दे ही रहा हूँ लगातार, तो आप देख रहे हो हर एक अपडेट। यहाँ पे कॉइंस एग्जीबिशन लगा है जो 15 संसद मार्ग के पास है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि जो लोग अंदर से स्टॉलों में जो कॉइन सेल करके आए हैं तो उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में कैसे कॉइन सेल हुआ है। काफ़ी सारे लोग बाहर आए हैं जो कॉइन सेल करके पहुंचे हैं, तो उनसे बात करेंगे क्या वास्तव में उसका कॉइन सेल हुआ है या अभी उनका कॉइन सेल नहीं हुआ है, या किस प्राइस में कॉइन सेल हुआ है। तो हम बात करते चलेंगे दोस्तों, तो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कॉइन सेल हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, कहाँ से हो? आगरा से। जी आगरा से हो, आपके कॉइन्स सेल हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, आपके पास कौन से कॉइन्स थे? हमारे पास महात्मा गांधी के, इंदिरा गांधी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के, माता वैष्णो देवी के थे, लौटे आए 20-20 रुपये दे रहे थे। जी तो आप मतलब ये यहाँ पे एग्जीबिशन में आके देखा हो और एक यूट्यूब पे देखते हो, काफ़ी सारे बॉयर्स दावा करते हैं लाखों रुपये के, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि आप इतनी दूर से चल के आए हो? झूठ बोलते हैं वो सब। जी मतलब हाँ, इसी के खिलाफ हमने एक कैंपेन छेड़ रखा, फ्रॉड बॉयरों का पर्दाफाश कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, यहाँ 20 रुपये का मांग रहे हैं इंदिरा गांधी वाला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और माता वैष्णो देवी का तो उन्होंने पूछा भी नहीं। जी ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी दूर से चल के आए हैं, इनके जो कॉइन्स थे उनके 20-20 रुपये रेट बताए जा रहे हैं। यूट्यूब पे देखते हैं तो लाखों की रेट बताई जा रही है, किसी का कितने लाख, 50 लाख, 60 लाख, इतनी रेट बताई जा रही है। और भी लोग हैं जो अंदर जाके आए हैं, तो उन्हीं से चर्चा करेंगे वास्तव में उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उनके कॉइन सेल होते हैं नहीं होते हैं, तो यूट्यूब का जो है और यहाँ की रियलिटी में जो है। तो चलो इनसे भी बात कर लें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी कहाँ से हो आप? सर मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा, आप यहाँ पे कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर गए तो आपको क्या महसूस हुआ कि कॉइन्स वास्तव में बिक रहे हैं या कॉइन्स नहीं बिक रहे? सर जी मेरे को ना यहाँ पे मैंने जब पता किया तो मुझे मतलब कि वो रेट तो उसका कम, मतलब कि उसका रेट वो कम बता रहे हैं, और जब बेचने जाओ तो उसका रेट मतलब कम बताते हैं, अपने वाले का ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, मतलब जो स्टॉल्स लगा रखे हैं वो अपने सिक्के या नोट का रेट तो काफ़ी बता रहे हैं, और हमसे जो नोट व सिक्के ले रहे हैं उसका बहुत कम। जी सर। तो क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे दावे आपने भी सुने होंगे, जिसकी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में काफ़ी दावा होता है कि ये लाखों रुपये में बिकता है, तो उसके बारे में मतलब आपने जानकारी ली होगी? जी आपने सर, आपका ही मैंने यूट्यूब देखा था, यूट्यूब चैनल पर देखा था आपको, तो आप जो बॉम्बे गए थे विनय कुमार जी के यहाँ, तो आपने उनको अरेस्ट कराया बाद? जी तो आपको एक खुशखबरी वही है, यही थी कि उसको अरेस्ट हमने करवा दिया, और भी काफ़ी सारे जो फ्रॉड लोग हैं उनके पर्दाफाश हम करें और उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो जी धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। जानकारी लेते हैं तो चलो दोस्तों इनसे भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ से आए भाई साहब, चलो इनसे जानकारी लेते हैं। कॉइन सेल है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। तो आप कॉइन सेल करने आए तो था, तो आपके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं, आप मतलब बता सकते हो उसके बारे में कि क्या हुआ आपके साथ एग्जीबिशन में नोट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, इसी की जानकारी हमें चाहिए। वो सिर्फ बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। अच्छा, वो जो स्टॉल वाले हैं वो अपना कॉइन्स बेच रहे हैं, अपने पास से कोई कॉइन्स ले नहीं रहा? जी तो आप इतनी दूर से आए हो तो आपको क्या मतलब महसूस हुआ होगा, आप यूट्यूब पे देख के आएंगे तो आपका कुछ दिल में मतलब ऐसा कुछ महसूस क्या होगा? लोगों को जानकारी क्या देना चाहते हो भाई, जो लोग देख रहे हैं अभी मतलब हमारे चैनल्स पे जो लोग जुड़े हैं, तो उनको क्या बताना चाहते हो कि आप यहाँ पे आइए या नहीं आइए? गांधी चरखा इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए? जी इसकी यूट्यूबर जो होते हैं, अलग अलग बॉयर्स होते हैं, उनके द्वारा तो लाखों में बताई जाती है। जी लाखों में बताई जाती है ऐसे तो यहाँ पे आपको अगर जानकारी मिली तो क्या बताया जाए? यहाँ पे तो 1600 रुपये दे रहे थे। अच्छा 1600 रुपये। जी तो अभी आपने ये सेल नहीं किया? जी तो आपको क्या मतलब लोगों को क्या राय देना चाहते हो कि आप मतलब यहाँ पे एग्जीबिशन में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए या नहीं कीजिए? नहीं, इससे बढ़िया है कि 2-4 काउंटर वाले से डायरेक्ट नंबर लेके उससे डायरेक्ट, अगर फ़ोन से व्हाट्सएप से हो सकता है डील तो हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे तो आप किसी के नंबर लेके आए हो? मैं किसी का भाई नंबर? तो भाई साहब आप उनको बता रहे हो कि नंबर ले लीजिए, तो आप नंबर क्यों नहीं लिया? चलो कोई दिक्कत ना भाई साहब, आप उतनी दूर से आए मेहनत करके, चलो कोई दिक्कत ना है। चलो और भी लोग बैठे हैं, इनसे भी मिलते हैं क्या वास्तव में ये भी इनका कॉइन सेल हुआ नहीं हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैं ट्रू इवेंट से हूँ रोहित। हाँ जी। तो आप कॉइन सेल करने आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं यूपी से आया हूँ, मथुरा से। अच्छा यूपी से, मथुरा से। तो आपके पास कौन कौन से एंटिक आइटम थे और कौन कौन से कॉइन्स थे? से थे 58 थी, 54 थी जो बता रहे थे ये यूट्यूब पे
तो वो लेके आया था, सब बता रहे हैं कॉमन है, अपने सेल कर रहे हैं, हमारे नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो एग्जीबिशन है वो अपने कॉइन सेल कर रहे हैं, आपके कॉइन्स नहीं खरीद रहे, तो आपके पास जो थे एक दो रुपया बता रहे हैं, यूट्यूब पे बताते हैं कि इसकी 1000 है, 500 है जी, यही तो। इसी के लिए हमने भी एक चैनल स्टार्ट किए थे फ्रॉड अलर्ट और ट्रू इवेंट के नाम से, तो हम यही जो फ्रॉड बॉयर्स है और एग्जीबिशन है इसके खिलाफ जो कैंपेन चला रखा है कि वास्तव में जो यूट्यूब पे दिखाया क्या जाता है और वास्तविकता इनकी क्या है, किस प्रकार बिक रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं ये। जी जी, तो आपने कहीं किसी फ्रॉड बॉयर के जाल में तो अभी तक नहीं फंसे ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अली शेर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, और भी मिलेंगे तो लोगों से हम जानेंगे कि वास्तव में ये कॉइन सेल होता है नहीं होता। काफ़ी सारे लोग हैं जो अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं और बाहर की तरफ जो अपने वहाँ पे नोट और सिक्के दिखा के आए हैं वो भी काफ़ी सारे लोग हैं। इधर देख सकते हो, इधर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। यहाँ गृह मंत्रालय के जस्ट नज़दीक में ये एग्जीबिशन लगा है, 13-14-15 को चल रहा था, जो आज दूसरा दिन है, तो कल का लास्ट डे है, तो अभी तक तो किसी का मेरे हिसाब से कॉइन सेल हुआ नहीं है। आगे का क्या वास्तविकता रहती है, किसी का कॉइन सेल होता है या नहीं होता है, उसकी भी डिटेल्स हम लेते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉड अलर्ट वाले जो नरेश कुमार जी वो भी आए, तो इनसे भी जान लेंगे इनका क्या इम्प्रेशन रहा, अंदर गए थे तो वास्तविकता क्या थी, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपका क्या रहा जब अंदर गए, तो वास्तव में कॉइन सेल हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए, मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि मेरे को ना तो कॉइन सेल करने हैं, ना मैं किसी को ये कहता कि आप सेल कीजिए। अच्छा, मेरा लक्ष्य सिर्फ यही था कि जो कॉइन्स को लेकर जो फ्रॉड होता है, जिस तरीके से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो कॉइन्स को लेकर हो रहा है, उसकी हकीकत जानने का मेरा लक्ष्य जी। हम भी इसी के लिए आए थे कि वास्तविकता इस कॉइन्स एग्जीबिशन में नोट बिकते हैं या यूट्यूब पे जो लाखों रुपए बता रहे हैं वो हकीकत है या नहीं है, तो इसी को लेकर मैं यहाँ पे आया था। अंदर जाके भी आया हूँ, काफ़ी बॉयर से बात भी की है मैंने, लेकिन जो 5 रुपये का नोट है उसको ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन वो 5 रुपये के नोट को सिर्फ 6 रुपये में ले रहे हैं। अच्छा, 5 रुपये के जो ट्रैक्टर वाले नोट के खिलाफ जो बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि ये लाखों का है, तो उसको तो एक मतलब अंदर से एक जानकारी भी मिली है जो अभी एग्जीबिशन लगा रखे हैं, उन्होंने मतलब एक जानकारी दिया कि जनवरी के अंदर एक एग्जीबिशन होने वाला है, वो इससे पूरा डिफरेंट होने वाला है। देखिए, हो सकता है होगा यहाँ पे, लेकिन मैं तो जो दूर से बंदे आते हैं मैं उनको यही कहूँगा कि पहले पूरी जानकारी लीजिए जी, बाद में आइए जी। यही हमारा भी यही है कि आप अगर दूर से आते हो तो पहले एक बार पूरा कंफर्म कर लीजिए वास्तविकता क्या है नोटों की। यहाँ पे मैंने आके सच्चाई देखी है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, गरीब आदमी जो पैसों को लेकर आते हैं, जो लोग YouTube के ऊपर फर्जी वीडियो डालते हैं कि इसके इतने मिलते हैं। जी जी सर, जी सर, कहना चाहूँगा कि जब इतनी दूर से किराया लगा के आते हो तो ये गलती है। जब जी हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों आप फालतू के अंदर इतना नुकसान के नीचे जा रहे हो, फालतू जो इतना वहाँ से आते हैं तो खर्चा लगता है, टाइम भी खराब होता है, तो इस तरीके से फ्रॉड ही हो रहा है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जी जी, चलो धन्यवाद आपका। तो एक माता जी भी है तो उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर भी है। चलो पहले भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार जी। जी कहाँ से हो? मैं तो अजमेर से आया हूँ। अजमेर से जी, तो हमारे पास ही के हो आप वैसे तो आप क्या कॉइन सेल हुआ या नहीं हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, जो बता रहे हैं मैं उसी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके पास कौन सा था? मेरे पास एक एक केस के, इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, वैष्णो देवी के हैं, कोई 20-20 रुपये बता रहे हैं। अच्छा चलो जी, धन्यवाद, आप आके जानकारी तो मिली। चलो माताजी से पूछ लेते हैं, माताजी काफ़ी परेशान सा लग रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे इतनी दूर से चल के आए हैं। जी माताजी प्रणाम। रतन देवी जी, तो आप बताइए, जो कॉइन एग्जीबिशन में आप आए हो, क्या वास्तव में कॉइन सेल होता है यहाँ पे? नहीं जी, लोगों को क्या कहना, कोई सेल नहीं। मैं तो बहुत पैसे लाई हूँ, आरवी का लाई हूँ, कृष्णा देवी के लेके आई हूँ, बताते हैं, मैंने सोचा सियासी लड़कियों के काम में आ जाएगा, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, 20-20 रुपए के इंदिरा गांधी के बता रहे हैं बस। अच्छा, इंदिरा गांधी वाले के 20-20 रुपए के बता रहे हैं, तो इतना तो हमारा खर्चा भी हो जाता है कि 2-3 हज़ार रुपये का हम खर्चा करके आते हैं, यहाँ पे 20 रुपये में कॉइन्स बिक रहा है। और मैं ट्रैक्टर वाले भी लोग लाई थी, मैंने कुछ नहीं, मैंने भी सुना, मैं भी अंदर गया था तो ट्रैक्टर वाले का तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो चलो और भी देखते हैं वास्तविकता इनकी जो एग्जीबिशन का है जी। तो चलो दोस्तों, आपने सुना किस प्रकार लोगों की राय है इन एग्जीबिशंस के बारे में और कॉइन्स के बारे में, जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि कॉइन्स के नाम पे कितनी ठगी हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो एग्जीबिशनों के अंदर भी इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है लोगों को। एग्जीबिशनों के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं और उसको घुमा फिरा के बस जो अपना स्टॉल्स लगा रखा है उन्हीं का कॉइन सेल हो रहा है, वो अपना नोट सिर्फ बेचने के लिए आए हैं, ना कि किसी का नोट खरीदने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राम राम। आगे के वीडियो में और मिलेंगे और नई अपडेट के साथ।